हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा क्लासेस। चंदन सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय COVID-19 से पूरी दुनिया त्रस्त है और ज़्यादातर लाइव क्लासें बहुत चल रही हैं। मैंने भी कल व्हाट्सएप पर एक कमेंट डाला था कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि लाइव वीडियो आपको मिले तो मैं भी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। मैंने कहा था कि 2-3 दिनों में कुछ तकनीकी समस्याएं और ख़त्म हो जाएं तो लाइव वीडियो आपको मिलेंगे। तो इसलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो आइए देखते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का अगला वीडियो, कक्षा 10 का, और बालाजी पब्लिकेशन की बुक से हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा इसका जो है 4th वीडियो। अब देखना है, हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 18 क्वेश्चन 10.2 के कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 19 क्वेश्चन है 10.2 का। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन और मैंने कल ही बता दिया था कि क्वेश्चंस सारे इधर लिखे हुए हैं, मैं केवल आपको सॉल्व करूंगा इस साइड में, क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका है साइन ए माइनस बी इज्क्वल टू, ये दिया गया है इज्क्वल टू ये, यानी कि इसके बराबर भी ये है और इसके इक्वल भी ये है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इज्क्वल टू, आपको देखना है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है साइन 30 की होती है। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन बन के आ रहा है ए माइनस बी इज्क्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1 बन के कम्प्लीट हो गया। मैंने कहा था कि सारणी की आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करिएगा, तो किसी ने कमेंट नहीं किया है तो मुझे लग रहा है कि सभी को ये याद होगा। आगे देखते हैं, अब उसी में ये दिया गया है तो एक इक्वेशन इससे बनाएंगे, कास ए प्लस बी इक्वल टू दिया है 1/2, तो आपको देखना है कि कास थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है कास 60 की। तो इस तरह से बना ए प्लस बी इक्वल टू कितना 60, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू ये आपका है 30, इक्वेशन नंबर 1 था। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, समीकरणों को हल किया होगा, विलोपन से हल कर देते हैं, प्लस माइनस था कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a और ये आपका हो जाएगा 90, 2 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 45। तो a की वैल्यू आपकी निकल के आ रही कितनी, 45। अब जो a की वैल्यू है ये आप किसी भी क्वेश्चन रख लीजिए 1 में या 2 में, तो हमने रख लिया इसको इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब रखा तो हो जाएगा a प्लस बी इज्क्वल टू 60, तो a की वैल्यू है 45 प्लस का b इज्क्वल टू 60, तो कितना जाएगा b इज्क्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यानी कि आपका आंसर जो है ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कई पार्ट हैं और इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। और एक चीज़ इस क्वेश्चन का मैं बता दूं आपको, जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, किसमें दिया गया है इफ़ ए इज इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट दिस। आप एक चीज़ ध्यान कर लीजिए, ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे साइन 3 इज इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब है, ये सब उसके फार्मूले हैं। जैसे साइन 3a का फार्मूला है, साइन 2a का ये फार्मूला होता है, ये भी होता है, कास 2a का ये होता है, साइन 2a का ये होता है, ये जितने चीज़ें लिखी गई हैं, जितने भी 20 और 21 में जो क्वेश्चन हैं वो सभी आपके फार्मूले हैं। तो आप उनको याद भी कर सकते हैं जो आपको इन फ्यूचर कार्य करेंगे वो। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है a इज्क्वल टू 30, a की वैल्यू जब 30 दी गई है तो आपको सारी सॉल्व जो हैं वो सॉल्व करनी है। तो अब देखिए हम पहला पार्ट लेते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट लेंगे तो इसमें लिखा है साइन 3a इज्क्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये आपको
सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे आप, पहले आप लेते हैं LHS ये वाला, तो हो जाएगा साइन 3A, साइन 3A तो कितना हो जाएगा, साइन 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 30, तो ये टोटल बना कितना साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आपका LHS आया। अब आपको लेना है RHS राइट हैंड साइड, इसमें क्या करेंगे आप 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए, ये ले लिया। आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर आपको 30 रखना है, तो ये जाएगा 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। अब मान रख दीजिए 3 साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, ये हो जाएगा 4 इंटू साइन क्यूब 3, 30 दिया है तो 30 की वैल्यू रखेंगे 1/2 का होल पावर 3, तो कितना हो जाएगा 3/2 बना, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई, इसको 3 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हो गया 3/2 माइनस का 1/2। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो एक टाइम 3 से 1 गया, 2 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आया 1। यानी कि RHS और LHS दोनों आपके सेम हैं, तो ये आपका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से सॉल्व हो गया। इसमें आपको बोथ साइड लेकर चलना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 20 नंबर का ही अगला पार्ट है, और उसमें 3 चीज़ों को सॉल्व करना है। इसमें आपको सॉल्व करना है साइन 2a इज इक्वल टू 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये सारे क्वेश्चन जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप यहाँ पर क्या करना है, पहले क्वेश्चन की तरह 2a की वैल्यू कितनी 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2, ये हो गया। अब इस पार्ट को लेते हैं 2 टैन ए, तो 2 टैन ए, ए की जगह पर आपको क्या रखना है 30 रखना है, तो आपने रखा 30, फिर हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर 30। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो 2 और टैन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√30 की, 30 का मान रख के होल स्क्वायर कर देंगे, ये आपको हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 3, फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/√3 होल अपॉन हो जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जाएगा 2/√3 और 3 ऊपर और 3 ऊपर 4 नीचे 2 2 जा 4। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/√2, ये भी आ गया। अगला पार्ट लेते हैं, वो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन 30 हो जाएगी इंटू कॉस 30 हो जाएगा, तो 2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस 30 की √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका √3/2, यानी कि जो ये मान दिए गए थे उनकी वैल्यू जो हैं वो √3/2 ही आया है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के अगले पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इसको देखिए LHS लेते हैं, तो जाएगा कॉस 2 इंटू 30, तो यह जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब ये लेते हैं दूसरा वाला RHS को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए,
तो वन माइनस टैन टैन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर 30 अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर 30 मान रख दें। तो वन माइनस ये हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री और ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई थ्री। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये थ्री हो जाएगा, थ्री को कर दिया मल्टीप्लाई माइनस का वन और यहाँ पर जब थ्री से करेंगे तो थ्री और प्लस वन अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, ऊपर कितना बचा टू और नीचे बचा फोर, इसको जब डिवाइड करेंगे तो वन बाई टू और वन बाई टू ही आपका एल एच एस भी आ रहा था। इस प्रकार से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि अभी 20 का ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का ही वो पार्ट है और 20 का लास्ट पार्ट है। ये दिया गया है टैन 2a इक्वल टू 2 टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर ए। तो पहले LHS लेते हैं टैन 2a, टैन 2a बराबर हो जाएगा टैन 2 इंटू 30 तो कितना आएगा टैन 60 और टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री। अब RHS ले लेते हैं इसका, RHS कितना है 2 टैन 30 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर 30। वैल्यू रखेंगे 2 टैन 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री की वैल्यू। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन रूट थ्री और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई थ्री। अब फिर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट थ्री, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन थ्री तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट थ्री और 2 बाई थ्री। सॉल्व करते हैं 2 बाई रूट थ्री इंटू 3 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा रूट थ्री। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 20 के चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू 30। क्वेश्चन दिया है इफ ए इक्वल टू 45 बी इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट दिस दिस दिस। कुछ कल कमेंट ऐसे भी आए थे कि सर जैसे सीबीएसई वाले कुछ बच्चे जो हैं आसपास के वो उन्होंने कमेंट किया था कि सर कुछ इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब बोला करें जिससे कि हमें ये पता चल सके, कुछ वो समझ नहीं पाते हैं। तो पहले मुझे ज़रा से भी कल्पना नहीं थी ये सीबीएसई के बच्चे भी देखते हैं वीडियो, तो उन्होंने जब कमेंट किया तो मैंने सोचा कि आज कुछ जो है थोड़ा सा परिवर्तन वीडियो में रहेगा, इंग्लिश के वर्ड्स का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। है तो ये यूपी बोर्ड के लिए ही लेकिन सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे इसको थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। तो अब लेते हैं अपना इसका पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है आपका टैन ए प्लस बी, दिया है टैन ए प्लस बी इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी टैन ए टैन बी। अब आपको ये करना है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, जैसे जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे टैन 45 प्लस 30 तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी टैन 75 और उसको निकालेंगे कैसे, इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, रखेंगे मान टैन 45 प्लस टैन 30 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस टैन 45 प्लस टैन 30। अब इनकी वैल्यू रख दें तो टैन 45 की वैल्यू 1 और टैन 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री,
यहाँ पर हो जाएगा 1-1 इंटू 1/√3, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 और इसकी 1/√3, तो कितना जाएगा 1। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √3, तो हो जाएगा √3 + 1 अपॉन, यहाँ पर भी हो जाएगा √3 - 1 / √3, √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपका हो रहा है √3 + 1 / √3 - 1। अब इसको संयुग्मी से गुणा करा देंगे, जिसको इंग्लिश में कंजुगेट बोलते हैं, √3 - 1 / √3 - 1 से कराएंगे, क्योंकि नीचे आपको a² - b² का फार्मूला डेवलप करना है, तो ऊपर आपका हो जाएगा √3 + 1² और नीचे हो जाएगा 3 - 1। तो इसका जो ब्रेकेट ओपन करेंगे तो वो कितना जाएगा a + b² से, तो ये जाएगा 3 + 1 + 2√3/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक 2 ऊपर कॉमन ले लेंगे, 3 × 4 है तो बचा 2, और यहाँ पर बचेगा √3/ कितना, 2 से 2 कैंसिल, 2 + √3 हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखिए एक चीज़, जब कभी किसी ज़रूरत लगे तो आप याद रखें कि tan 75 की वैल्यू 2 + √3 होती है, ये आपको याद कर लेना है, जिसे आप डायरेक्ट रख सकें, हाँ जब ऑप्शन में क्वेश्चन होगा तो। लेकिन आप ये मान निकाल के कैसे लाएंगे, निकालने का तरीका आपके पास यही है, tan a + b का फार्मूला ही यूज़ करके आप tan 75 की वैल्यू, और tan 15 अगर आ गया तो tan 15 की वैल्यू आप उसी प्रकार से निकाल सकते हैं, केवल उसमें क्या होगा, यहाँ पर 45 - 30 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा उस फार्मूले में, बस और कोई तरीका इसका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए tan 75 की वैल्यू 2 + √3 होती है और ये इतना ही आ गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है sin a + b = a + b है तो आप मान रखिए 45 + 30, तो यहाँ पर हो जाएगा sin a यानी कि 45 और cos b 30 और cos a यानी cos 45 और sin b sin 30। वैल्यू रखें इसकी, sin 45 की वैल्यू 1 / √2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू है आपकी √3/2 और प्लस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 2√2 और ये हो गया √3 और यहाँ पर हो जाएगा 1/√2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2√2 √3 + 1। अब कल मैंने बताया था क्वेश्चन में कि इसको क्या करना है, आपको परिमेयीकरण कर देना है, इतने पर छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन √2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा √6 + √2/ कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी उतनी ही आएगी। तो ये हो गया, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। cos a - b यानी 45 - 30, तो हो जाएगा cos 45 cos 30 + sin 45 sin 30। अब इनकी वैल्यू जनरेट करनी है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 30 की 1/ इसके हो जाएगा √3/2 और ये sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सॉल्व करते हैं इसको तो हो जाएगा √3/2√2 और प्लस का 1/√2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 + 1/√2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 से √2 कर दिया तो ये हो जाएगा √6 + √2/4, ये वैल्यू किसकी होगी, cos 15 की। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जब sin 75 को निकाला और वही मान आपका cos 15 का निकला, कितना निकला √6 + √2/4, ये वही मान हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और याद निकालने को अगर कोई कहेगा sin 75 की वैल्यू निकालिए
तो अगर दो मान में आपको तोड़ना ही पड़ेगा उसको, अपने मन से आप तोड़ सकते हैं 45 और 30 में, और उसी से आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज निकालने का कोई तरीका इसका नहीं है और ना इसका डायरेक्ट कोई वो साणिक में मान होता है, अगर होता भी है तो वो इसी से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन इसका बचा हुआ है जिसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर अभी नहीं लिखा है, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। वो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22, थीटा की वैल्यू दी है 30, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है इसके बराबर, कॉस 2 थीटा है, सॉरी ये कॉस स्क्वायर, यहाँ पर कॉस 2 थीटा अपन 2 दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, चेक करने के लिए भी मैं तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को चेक कैसे कर लेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये उधर चला जाएगा, तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 रूट में, यही दिखा हुआ है, एकदम सही क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, दिया है थीटा की वैल्यू 30, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू आपकी पता है √3/2 होता है, इसको सॉल्व करना है उतना ही आंसर आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस 2 30 प्लस 1 अपॉन कितना 2, सॉल्व करें इसको कितना आ जाएगा, कॉस 60 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, का 60 की वैल्यू 1/2 प्लस का 1 और अपॉन 2। अब यहाँ पर और आगे बढ़ाते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर जब 2 कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। तो आपने जब टोटल किया तो कितना आया, √3 और 2 × 4, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ये प्रूव हो गया LHS = RHS। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन जो है 10.2 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें 10.3 को सॉल्व करना है।